सदर थाना क्षेत्र के मेटोला पेट्रोल पंप के निकट पंचर की दुकान कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मी यादव उर्फ लक्ष्य यादव की बुधवार देर रात उनके ही दुकान में गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मेटोला स्थित उनके आवास पर जाकर मातम पूर्सी कर सांत्वना दिया। इस अवसर पर मृतक के पुत्र पुत्रवधू तथा पोतू ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह उनके दुकान के बगल में चाय दुकान करने वाले मोहम्मद मोसीम को सबसे पहले लगी। वो अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे। उन्हें लक्ष्मी की दुकान को देर तक बंद रहने और कोई आवाज नहीं मिलने के बाद शक हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा कर वहां मृतक के परिजन को बुलाकर दुकान के अंदर देखा, जहां बुजुर्ग का शव दुकान में ही पड़ा दिखा, जिसके बाद कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची, उसके द्वारा लाश को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और अपना माफिया नेता पदाधिकारी पूरा थाना 20 लाख 40 लाख के टारगेट में रहता है। कोई ऐसा थाना प्रभारी नहीं है जो जमीन माफियाओं के से सांठगांठ न हो, बालू शराब और बॉर्डर से सांठगांठ नहीं हो। और प्रोटेक्ट करती है एसपी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक, डर है ही नहीं शासन का, मस्त है सब लोग। और ऊपर से नीचे पैसा पहुंचाना है। अंतिम दो बार केस हुआ 5 आदमी पे, पैसे लेके 3 आदमी 4 सीट से अलग हो जाएंगे, 2 लोग जेल जाएंगे, 3 महीने में जज साहब बेल दे देंगे, फिर निकलेगा फिर मारेगा। और जेल में रह करके धमकी देता है पैसा पहुंचाओ। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल या तो सूट एंड साइड शमशान, जेल में अपराधियों को रखने की जरूरत है। मैं किसी दिन आऊंगा तो मैं अपराधियों को जेल में यदि रखने का मुझे मौका मिलेगा तो 3 महीने के अंदर कानून सजा देगी, अन्यथा हम उसको ऐसे